गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम एचआर सिंह, योर इंग्लिश टीचर। एंड स्टूडेंट्स, वी विल रीड अवर नेक्स्ट पोएम। पोएम इज ट्राई अगेन, कोशिश और फिर से कोशिश करना। इट इज़ अ लेसन यू शुड हीड, ट्राई एंड ट्राई अगेन। ये एक पार्ट है जिसे तुम्हें बहुत ध्यान से क्या करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। क्या है उसका मतलब उस पार्ट का क्या नाम है? प्रयत्न करो और फिर से प्रयत्न करो, बार बार प्रयत्न करो। If at first you do not succeed, अगर तुम एक बार में पहली बार में सफल नहीं होते हो तो try and try again, तो तुम्हें फिर से कोशिश करनी चाहिए और फिर बार बार कोशिश करनी चाहिए। Then your courage should appear, तब उसके बाद तुम्हारा साहस दिखाई पड़ेगा, यानी दिखाई देगा। And for if you will persevere, और शायद क्योंकि तुम जो है तुम्हारे अंदर जब साहस आएगा तो तुम बार बार उसमें और ज़्यादा मेहनत, परसेवरेंस होता है ज़्यादा मेहनत करना, अधिक मेहनत करोगे। यू विल कनकर, नेवर फियर, तुम जीत जाओगे और कभी भी डर नहीं लगेगा। ट्राई एंड ट्राई अगेन, कोशिश करो और बार बार कोशिश करो, फिर से कोशिश करो। वंस और ट्वाइस, एक बार दो बार, दो यू शुड फेल, हालांकि तुम फेल होंगे, है ना, असफल भी होंगे, बट क्या होता है, ट्राई एंड ट्राई अगेन, लेकिन फिर से कोशिश करते रहो। इफ़ यू वुड एट लास्ट प्रिवेल, ट्राई एंड ट्राई, अगर तुम ऐसे कोशिश करते हो तो शायद तुम एक बार कभी ना कभी क्या हो जाओ कि शायद सफल हो जाओ, इसलिए कोशिश करते रहें, बार बार कोशिश करते रहें। इफ़ वी आर आई स्ट्राइव, यदि हम भूख से मरते हैं तो दिस इज़ नॉट अ डिसग्रेस, ये हमारा दुर्भाग्य नहीं होगा, ये दुर्भाग्य नहीं होता। दो वी डोंट विन द रेस, यद्यपि हम किसी दौड़ को नहीं जीतते हैं तो व्हाट शुड यू नॉट डू इन द केस, तो तुम इस स्थिति में तुम्हें क्या करना चाहिए, तो ट्राई एंड ट्राई अगेन, तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए, बार बार कोशिश करते रहना चाहिए। इफ़ यू फाइंड योर टास्क इज़ हार्ड, यदि तुम्हें कोई काम बहुत ज़्यादा कठिन लगता है तो ट्राई एंड ट्राई अगेन, तो उस काम को पूरा करने के लिए फिर बार बार कोशिश करनी चाहिए। टाइम विल ब्रिंग यू योर रिवॉर्ड, और समय वास्तव में तुम्हारे लिए एक फल लेके आएगा, एक परिश्रम, जो परिश्रम तुम करोगे वो तुम्हारा परिश्रम तुम्हारे सामने आएगा। सो ट्राई एंड ट्राई अगेन, इसलिए कोशिश करते रहो और बार बार करते रहो। ऑल दैट अदर फॉक्स कैन डू, हाँ, सभी जो कहावतें होती हैं, है ना, कैन डू, वो कुछ भी कर सकती हैं। वाई विथ पेशेंस शुड नॉट यू, हाँ, लेकिन क्या तुम्हारे अंदर पेशेंस नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, है ना। ओनली कीप दिस रूल इन व्यू, क्योंकि हमें फेलियर होने के बाद हम क्या होते हैं, कभी कभी हमारे अंदर पेशेंस, धैर्य ख़त्म हो जाता है, तो हमारे अंदर होना चाहिए, है ना। ओनली कीप दिस रूल इन व्यू, ट्राई एंड ट्राई, और ये नियम है इस बात का या इस व्यू का, इस विचार का, कि क्या, कि हमें कोशिश बार बार करते रहना चाहिए, और कोशिश करने से ही हमें जो है सफलता प्राप्त होती है। अगर हम सोचते हैं कि हमें एक बार में सफलता मिल जाती है तो नहीं, कभी भी कनकर के लिए या कभी ओवरकम होने के लिए हमें जो है कोशिश करनी चाहिए, वो कैसा भी टास्क हो, उस टास्क में सफल होने के लिए हमें मेहनत की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। ओके, थैंक यू।